के मंदिर में झूठ बोलना बंद करो बंद करो। लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलना बंद करो बंद करो। जनता को गुमराह करना बंद करो बंद करो। जनता को गुमराह करना बंद करो बंद करो। जनता को गुमराह करना बंद करो बंद करो। लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलना बंद करो बंद करो। लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलना बंद करो बंद करो। लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलना बंद करो बंद करो। लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलना बंद करो बंद करो। लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलना बंद करो बंद करो। जनता को गुमराह करना बंद करो बंद करो। जनता को गुमराह करना बंद करो बंद करो। जनता को गुमराह करना बंद करो बंद करो। लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलना बंद करो बंद करो। लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलना बंद करो बंद करो। लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलना बंद करो बंद करो। लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलना बंद करो बंद करो। जनता को गुमराह करना बंद करो बंद करो। जनता को गुमराह करना बंद करो बंद करो। लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलना बंद करो बंद करो। लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलना बंद करो बंद करो। जनता को जी सर बताया जी, करने के जी, जी सबसे पहले तो देशवासियों को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो 1971 में भारतीय सेनानों जो पराक्रम दिखाया था, दुश्मन के दांत खट्टे किए थे, उस विजय दिवस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज जो हम शिव सैनिक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम मिठाई लेकर आए हैं, मिठाई बांटी जा रही है बीजेपी सांसद के उस झूठ पर, सेम वैसा ही झूठ जैसा कि देश को बुलेट रॉयल ट्रेन मिली है, देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार मिला है, ठीक उसी पद चिन्हों पर चलते हुए अपने गुरु के जम्मू कश्मीर से जो भाजपा के सांसद हैं जम्मू पुंछ क्षेत्र इलाके से, उन्होंने जो है पार्लियामेंट जिसको हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहते हैं वहां खड़े होकर एक बहुत बड़ा झूठ बोला है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जम्मू के अंदर मेट्रो ट्रेन का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि हकीकत यह है कि यहाँ पर अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही कुछ दिन पहले सबमिट हुई है। अगर हम देश के केंद्रीय वित्त मंत्री का बयान देखें, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी का बयान भी देखें, तो उन्होंने लगातार कहा है कि 2022 के अंदर जम्मू में मेट्रो का काम शुरू किया जाएगा और 24 में ये खत्म होगा, जबकि हमारे सांसद ने झूठ की तमाम हदें पार करते हुए उस मंदिर के अंदर खड़े होकर बोल दिया कि मेट्रो का काम लगभग पूरा हो चुका है। अगर तो उनकी जबान फिसली है, हम पूछना चाहते हैं, या झूठ बोला है तो वो देश की जनता को गुमराह करने के लिए उसी सांसद के अंदर उसी मंदिर के अंदर माफ़ी मांगे, या हमें जहां तक महसूस हो रहा है कि बीजेपी जैसे लगातार कश्मीर में शांति बहाली को लेकर झूठ परोसती थी पूरे देश के अंदर, उसी तरह 370 के बाद जम्मू में विकास को लेकर देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी नेताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए।